जितने भी लोग ये देख रहे हो 1,000, 1,200, 2,00,000 जितने भी है, इनका चैनल सब्सक्राइब कर लो। एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं, इनको मेहनत से रोको मत। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हम लोगों का व्लॉग्स। और आज मैं हूँ जयपुर में, और पता ही होगा वो तो भाई खाटू श्याम आया था मैं, तो खाटू श्याम आने के बाद शो गए। कल शो जाने के बाद अब हम हैं रूम पर हमारे, और हमारे रूम पर हैं तो फिर ज़रा बाहर थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि कल जो हो रही थी वो बहुत तगड़ी वाली खतरनाक वाली बारिश हो रही थी। तो हम बाहर का व्यू यहाँ से, व्यू कुछ ऐसा है अभी, मतलब ये वही 9:30-10 बजे के आसपास, तो 9:30-10 बजे तो पता ही है भाई इतनी तेज़ वाली धूप हो जाती है। आँख खुली थी समथिंग 8 बजे के आसपास, तो 8 बजे के आसपास खुली तो भाई सारा धुआं, वो मतलब वो नहीं होता फॉग था पूरा। तो फिर मैंने कहा यार अभी तो रात हो रही है, सो जाते हैं वापस से। तो हम वापस से सो गए और चलते हैं अब कुछ खाने, क्योंकि यार खाने को कुछ रखा तो है नहीं है, अब खाने को कुछ रखा नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो फ्रिज में देख लेते हैं, फ्रिज में कुछ है नहीं। ये हैगा तरबूज, हैगा तरबूज खा सकता हूँ मैं, लौकी तो नहीं खा पाऊँगा क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। फ्रेश होना पड़ेगा, तो वो मैं करके आ जाता हूँ जल्दी से, वो नहीं दिखाऊँगा वो करके आ जाता हूँ और फिर मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तो बारिश हो रही थी तो वेस्ट साइड चला गया, और वेस्ट साइड से फिर मैंने लिए हैं ये शूज़ जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैं दिखा। तो ये रहे वो शूज़ जो मैंने वैसा ही से लिए थे और जो कि मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने लिए हुए थे। तो ये हैं वो शूज़, शू का कलेक्शन है, उसमें एक और शू ऐड हो गया और जो कि है मतलब सोल प्ले का शू है, एंड अमेजिंग पैर हैं। अब जाते हैं कहाँ, जूते के पास, खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि भूख थोड़ी बहुत लगी है, बाहर खाने का मन नहीं है बिल्कुल। मधुर से मिलाऊँ यार, और कितना प्रोडक्टिव करूँगा आप। पहले बर्तन तो मांझने ही होंगे। करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो फिर मतलब कुछ मतलब खाना हो कुछ नहीं है, तो देखा कि फिर चावल रखे थे, तो सोच रहा हूँ चावल से कुछ बना लिया जाए। चावल से बनाने के लिए मैंने सोचा है कि तहरी होती है राज्य वाली बिरयानी बोल सकते हैं, तो वो बनाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आता है तो बनाता हूँ। नहीं हुआ तो देख ही रहा होगा मेरा क्या हाल रखा है, अभी सिर्फ प्याज ही कटी है, अभी आलू कटना बाकी है। नहीं नहीं ये नहीं डाल रहा हूँ मैं, ये मेरे को खाना बनाते बनाते भूख लगने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये रखा हुआ है तो ये खा लूँ, पहले ये खा। तरबूज खाना मजा तो बड़ा आता है, ये बीज नहीं हो ना, अगर तरबूज में अगर ये बीज नहीं हो ना तो क्या बढ़िया है ना तरबूज। तो लाइटर मेरे पास ये है, लाइटर मेरे पास दूसरा नहीं है, और थोड़ा सा पानी जा चुका है इसमें, अब इसकी निकलेगी मौत। डालेंगे हम इसमें जीरा, नमक है ही नहीं है, सॉरी नमक तो है, मिर्ची है ही नहीं है, तो प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिए, नॉर्मल वाली मिर्ची। एक मेन चीज़ तो मैं भूल गया जो मुझे पसंद है, मतलब तहरी में पसंद है, और वो है सोयाबीन। सोयाबीन को जल्दी से बॉईल करने के लिए पानी कर रहा हूँ गरम, तो पानी गरम हो गया और अभी मैं डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि ये जल्दी से फिर हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे बॉईल। ज़्यादा नहीं लिए हैं, थोड़े बहुत ही लिए हैं, थोड़ा सा नमक जिससे कि जल्दी से हो जाएंगे थोड़े से बॉईल, मतलब जल्दी से पक जाएंगे नमक से। थोड़ा पानी गरम है यहाँ, हल्दी, धनिया, मिर्ची मैंने रेड देख लिया कि वो नहीं है, तो मैंने सिर्फ वही वाली हरी वाली मिर्ची डाली है। अब हरी वाली मिर्ची से मिर्ची इतनी हो जाए ना कि ठीक। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद मुझे मिला है चिकन मसाला, मिर्ची नहीं है, तो बारी आ जाती है चावलों की। करते हैं
तीन सीटी का, कितनी सीटी का? तीन तीन सीटी लग गए हैं ऑलरेडी, और तीसरी सीटी लगने वाली है, और ये तीसरी सीटी लग गई। तो खाना बन गया, सोच रहा हूँ खाना बन गया है तो फिर एक नरूडो का एक एपिसोड ही लगा लिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ डी मार्ट, और काफ़ी टाइम हो गया, अभी बच गए हैं चार साल से बच गए हैं, और डी मार्ट जा रहा हूँ क्योंकि सामान थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। डी मार्ट ऐसी जगह है कि आप यहाँ से सब ले सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और सस्ते रेपे में, मतलब रिजनेबल प्राइस पर। यह है डी मार्ट, तो यहाँ मतलब सब कुछ सस्ते आराम से, जो नॉर्मल रेट्स जो मिलते हैं ना हमें ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। मैंने लिया, मेरे को थोड़ा सा ही सामान लेना था, ये ज़्यादा ही थोड़ा है कुछ, मतलब हाँ मिर्ची नहीं थी ना तो मिर्ची ली है, ब्रेड अभी मेरे को खाना था, पीनट बटर मेरे को ज़रूरी था, और फ्रूटी मेरे को पीनी थी, और जीरा वगैरह कुछ था नहीं घर पर, तो मतलब तो मैंने ये ले लिया बस। दस्तौल अब वापस चलता हूँ रूम पर। तो क्या अभी मैं मंदिर से आया हूँ, और घड़ी भी नहीं है यार, कहाँ देखो, ये हैगी मेरी घड़ी। तो अभी बज गया है 9, तो 9 बज गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाकर खा के आऊँ और कुछ, क्योंकि घर पे बनाने का तो मूड है नहीं है, और वो अभी कर रहा है अपना वेओम ईशा योगा फाउंडेशन से, तो खाना खाता हूँ मैं। और तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, ऑफ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव फन। प्याज काटने का मतलब Yeah.